नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है टिकम सिंह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर वर्ल्ड में। और आज हम आपको एक खुशखबरी बताने वाले हैं कि आप अपने गांव में, अपने कस्बे में CSC सेंटर ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप CSC सेंटर लेना चाहते हैं जो बिल्कुल फ्री सेवा है डिजिटल इंडिया के तहत, ठीक है, अपना CSC का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। रोजगार का एक बहुत सुनहरा अवसर है ये, ठीक है। तो अगर आप ये रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको मैं बताऊंगा कि आपको रजिस्ट्रेशन करना कैसे है, ठीक है। तो इसके लिए आप ये वीडियो पूरा देखते रहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। और इससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलते हैं वेबसाइट की तरफ। आप सबसे पहले यहाँ पे आपको URL टाइप करना है csc.gov.in, ठीक है। आपको ये टाइप कर देना है और इसको एंटर कर देना है। जब ये आप टाइप कर देंगे और जब आपका ये URL खुलेगा, ठीक है, तो ये आपके पास इस टाइप से डिजिटल इंडिया CSC ऐसे पेज बन के आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे इंटरेस्टेड टू बिकम अ CSE क्लिक ऑन द लिंक बिलो। अगर आप CSE लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है, सिंपली क्लिक कर देना है। तो एप्लीकेशन पे आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक कर देना है। जब आप एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन में सबसे ऊपर आ रहा है फ्रेश एप्लीकेशन। फ्रेश एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। फ्रेश एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये यहाँ पे आएगा आधार नंबर न्यू। यहाँ पे आप पहले से पढ़ लें कि आप क्या करना चाह रहे हैं, न्यू CSE एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या करना है, सीधे यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है, आधार नंबर डालना है, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या चीज़ जरूरी है। CSE का एप्लीकेशन फिल करने से पहले आपको बता देते हैं इसमें क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए और आपके आधार कार्ड पे ईमेल आईडी, और ये मैं दिखा दूँ आपको, आपके आधार पे यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ज़रूर फीड होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास एक बैंक अकाउंट भी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस भी नहीं है तो आप किसी CSE सेंटर पर जाके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड करा सकते हैं, या फिर जहाँ पे आधार सेंटर है वहाँ पर जाकर भी आप सिंपली ये करा सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना आधार नंबर डालना है और जैसे आप ऑथेंटिकेशन कराना चाहते हैं अपने आधार कार्ड की, उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। सिंपली आप OTP पे क्लिक कर दें, यहाँ पर आधार नंबर डाल के कुछ भी आप आधार नंबर डाल दें या 12 नंबर, ठीक है। आधार नंबर डाल के OTP पे क्लिक करना है, यहाँ पे कैप्चा कोड दर्ज कराना है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा इमेज के थ्रू, ठीक है, क्योंकि ये मैंने पहले से मेरे पास CSE मौजूद है तो ये मैं न्यू एप्लीकेशन कर नहीं सकता हूँ। मैं इमेज के थ्रू बताता हूँ कि आपको कैसे कैसे इमेज आएंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहले सबमिट पे बटन क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक इमेज इस टाइप से आएगा ऑथेंटिकेशन। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये जो एप्लीकेशन आपको फिल करनी है मोजिला फायरफॉक्स के अंदर ही फिल करनी है, ठीक है। यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है, यहाँ पे ये जो मार्क का एक ऑप्शन है यहाँ पे मार्क करना है, और यहाँ पे SMS और ईमेल पे मार्क करना है। उसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपके पास OTP आ जाएगा SMS के द्वारा और ईमेल के द्वारा आपके ईमेल एड्रेस पे पहुँच जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर करना है और फिर उसके बाद आपको सीधा वैलिडेट OTP पे क्लिक करना है। जब हम इसको वैलिडेट OTP पे क्लिक करा देंगे तो आपके पास आपका आधार खुल जाएगा और इस टाइप से एक पेज आएगा। सबसे ऊपर यहाँ पे ये 5 ऑप्शन होते हैं, कियोस्क होता है, बैंकिंग डिटेल्स भरनी होती है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डाउनलोड, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ये यहाँ पे रिव्यू होता है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे 5 स्टेप है, ये 5 के 5 स्टेप भरने होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप आपको बताते हैं कि कैसे भरने हैं, ठीक है। तो इसमें ये स्टेप जब खुल जाएगा आपका तो इसमें
ये पहले स्टेप है कियोस्क में। आपको सबसे पहले नंबर पे ये दिख रहा होगा कि आपको यहाँ पे सीएससी सेंटर का नेम डालना है। आपका जो भी सीएससी सेंटर है आप सीएससी सेंटर का नाम रख सकते हैं, जैसे एसके कंप्यूटर या संजय कंप्यूटर या जो भी आपकी दुकान का नाम है या जो आप शॉप का नाम है वो रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपका सीएससी लोकेशन टाइप कैसा है, आप रूरल में लेना चाहते हैं, ठीक है, या आप अर्बन में लेना चाहते हैं, या अगर आप रूरल में ले रहे हैं तो आपका ग्राम पंचायत भवन में क्या दुकान है क्या, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है यस। अगर आपकी ग्राम पंचायत में भवन में दुकान नहीं है तो आपको नो पे क्लिक कर देना है सिंपली, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टेट भरना है, स्टेट भरना जैसे कि आप कोई भी स्टेट भर सकते हैं, जैसे मोहल्ला है आपका, मोहल्ला का नाम भर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लोकेलिटी भर सकते हैं कि आपकी लोकेलिटी क्या लगती है। यहाँ इसके बाद स्टेट भरना है, ठीक है। और ये चीज़ें भरने के बाद आपको फिर के बाद आपको भरना है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ सेलेक्ट कर लें अपनी, उसके बाद यहाँ पे अपनी तहसील को सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ अपनी ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करना है। अगर आपने रूरल सेलेक्ट किया, अगर आपने अर्बन सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे आपका टाउन सेलेक्ट करने के लिए आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना विलेज नेम सेलेक्ट करना है, ठीक। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद नीचे आपके पास आएगा पोस्ट ऑफिस, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है और यहाँ पे पिन कोड, जैसे आप पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे पिन कोड आ जाएगा, ठीक। उसके बाद इसको आपको क्या करना है, सीधा कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप खुल जाएगा। ये नेक्स्ट स्टेप खुलेगा बैंकिंग डिटेल्स का, तो यहाँ सिंपल अपना बैंकिंग डिटेल्स सेंटर करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे बैंक नेम डालना है, उसके बाद अपना अकाउंट होल्डर नेम डालना है, उसके बाद अपना अकाउंट नंबर डालना है, आप बैंक का आईएफएससी कोड डालना है यहाँ पे, और इसके बाद ठीक है यहाँ पे बैंक का आईएफएससी कोड डालना है। अगर आपको आईएफएससी कोड नहीं आता है तो नीचे इसके ऑप्शन है फाइंड बैंक आईएफएससी कोड, यहाँ पे अपनी डिटेल फिल करा के आईएफएससी कोड निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पैन नंबर डालना है, पैन कार्ड इसमें मस्ट है, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप सीएससी नहीं ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपने पैन कार्ड की इमेज अपलोड करानी है, ठीक है। इतना काम कराने के बाद आपको सीधा यहाँ पे एक कंटिन्यू का बटन आएगा, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद आपका अगला स्टेप खुलेगा ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए यहाँ पे ये कहेगा कि अपलोड योर सेंटर फोटो इनसाइड, आप देख सकते हैं अपलोड योर सेंटर फोटो इनसाइड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपने सेंटर का इनसाइड फोटो डालना है और यहाँ पे अपना आउटसाइड फोटो डालना है, ठीक है। और यहाँ पे ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपके ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगे, अगर आपके नहीं होते हैं तो आपको सीधा क्या करना है, क्लिक ऑन पॉइंट और मैप पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास एक नक्शा सा खुल जाएगा, इस टाइप से एक नक्शा सा खुलेगा। यहाँ पे अपनी लोकेशन सेट कर देना है, जैसे अपना लोकेशन अफजलगढ़ डाल रहे हैं तो अफजलगढ़ में कहाँ पे यहाँ आप ठाके मतलब ये आप ड्रैग करके रख सकते हैं जहाँ पे भी अफजलगढ़ में आपकी लोकेशन सही बैठती है। उसके बाद अपडेट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर क्लिक कर देना है तो ये अपने आप अपडेट हो जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट स्टेप होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर, नंबर ऑफ ऑपरेटर्स कितने काम करते हैं आपकी दुकान में, कंप्यूटर्स कैसे क्या क्या है आपके पास, इंकजेट है, लेजर है, पीवीसी प्रिंटिंग है, वेबकैम है, आधार कार्ड का काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपनी सर्विसों के नाम डालने होते हैं, ठीक है। तो आप जो सर्विस दे रहे हैं वो सर्विस के नाम पर डालने, इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं यस करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना इंटरनेट प्रोवाइडर डालना है, फिर आपको सीएससी ईमेल आईडी यहाँ पे चूज करनी है, ठीक है। आप अपने यहाँ पे ईमेल आईडी ये सजेस्ट करते हैं यही रहने दें। उसके बाद एग्री सबमिट पे क्लिक करा दें, एग्री सबमिट पे क्लिक कराने के बाद आपके पास ये दिखा देता हूँ इस टाइप से ये एप्लीकेशन नंबर बन के आ रहा है, और आपका एक डेढ़ महीने के बाद आपका सीएससी मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।